हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस फायरमैन के सैलरी के बारे में। बिहार सरकार द्वारा फायरमैन के पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इसकी सैलरी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, साथ ही इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा और इसका ऑफिशियल पीडीएफ आप jobsru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा फ्री टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। आप देख सकते हैं T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, जिसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 मिनट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ये टेस्ट सीरीज डेली शाम को 7:30 बजे से स्टार्ट होती है और इसके क्वेश्चन का डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताया जाता है। तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते वक्त आपको एक कोड डालना होगा, जिससे टेस्ट सीरीज अनलॉक हो जाए। वहां पर आप SR अड्डा कोड डालें। इसी तरह दूसरी अनअकैडमी राइज 2.0 टेस्ट सीरीज चालू हो रही है, जिसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 मिनट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। डेली सुबह 8:30 पर यह टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरह एक अनअकैडमी इम्पल्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें डेली 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 मिनट में आपको इसके आंसर देने होंगे। 60 नंबर की टेस्ट सीरीज होगी। ये 10 बजे सुबह स्टार्ट होगी और सभी क्वेश्चंस का डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा। ये टेस्ट सीरीज जो है सप्ताह में 3 दिन होगी, ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आपको इनरोल करने के लिए एक कोड डालना होगा। उसमें आप SR अड्डा कोड डालें, जिससे आपका ये टेस्ट सीरीज अनलॉक हो सके। उसके बाद आप इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें अग्निक की पोस्ट है, सिपाही की कोट यानी कि फायरमैन सिपाही की वैकेंसी है। और वेतन की बात करें तो Level 3 का वेतन होगा आपका 21,700 आपकी बेसिक सैलरी होगी, जो कि आपकी लास्ट तक 69,100 तक बढ़कर जाएगी। ये आपकी बेसिक सैलरी होगी। इसके अलावा आपको भत्ते दिए जाएंगे, जैसे हाउस रेंट, ट्रेवल अलाउंस, ये सारे भत्ते दिए जाएंगे। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी TA DA और HRA मिला के लगभग 27,000 से 29,000 के बीच में होगी। तो अगर आप 12वीं पास हैं और फायरमैन की जॉब करना चाहते हैं तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भर दें। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 25 मार्च 2021 है और इसमें टोटल 2,380 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1,487 वैकेंसी हैं और फीमेल के लिए 893 वैकेंसी हैं। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं या OBC कैटेगरी में हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर SC ST कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों की हाइट जो है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर सीने की बात करें तो अनारक्षित यानी कि सामान्य तथा पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट का सीना जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने पर आपका कम से कम 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। वहीं पर अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट हैं तो आपका सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप SC ST कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो आपका सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट का सीना नहीं मापा जाएगा, उनका वजन मापा जाएगा। उनका मिनिमम वजन जो है कम से कम 48 किलोग्राम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका रिटेन एग्जाम होगा, जिसमें 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका जो है 1 नंबर का होगा, जिसमें आपसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित तथा सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सामाजिक विज्ञान में आपसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र पूछा जाएगा। उसके साथ ही विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होंगे और इसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 30% नंबर लाना कंपलसरी है। अगर इससे कम आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। इसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और उसके बाद जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो डिटेल में जानने के लिए आप इस PDF को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।